हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कम्प्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में क्या हुआ कि UNHRC की जो चीफ हैं, तो अभी उन्होंने 47th सेशन को एड्रेस किया जिनेवा में, और उन्होंने कहा कि चीन में ह्यूमन राइट्स का वायलेंस ज़्यादा हो रहा है और मैं चाहूँगी वहाँ जाना। तो वहाँ पर चीन ने क्या रिप्लाई दिया उसका जानेंगे इस वीडियो में, और क्या कहा, बने रहिए मेरे साथ, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चाइना ने कहा, चाइना ऑन ट्यूजडे, ये बात है कब की, ट्यूजडे की, ओके ट्यूजडे की बात है, पोलाइटली डिक्लाइन, मना कर दिया पोलाइटली यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिसेस बैचलेट, सही है, ठीक, मिशेल बैचलेट्स, जो ह्यूमन राइट्स जो कमिश्नर हैं यूएन की हाई कमिश्नर, इनको पोलाइटली क्या कर दिया, मना कर दिया, किसने, चीन ने, चाइना ने, मीनिंगफुल एक्सेज टू वेरीफाई द सीरियस रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉलेंस इन रेस्टिव रीजन सिंजियांग प्रांत, उनका जो सिंजियांग प्रांत है, तो जो कमिश्नर है उन्होंने कहा कि एक हमें सीरियस रिपोर्ट मिली हुई है ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन का, कहाँ पर, जो चाइना का सिंजियांग प्रोविंस है वहाँ पर, सेइंग सी इज वेलकम टू फ्रेंडली विजिट बट नॉट परस्यू प्रोविथ परसेप्शन ऑफ गिल्ट। तो चाइना ने कहा कि अगर वो फ्रेंडली विजिट करना चाह रहे हैं तो उनका वेलकम है, अदरवाइज ये जो परसेप्शन ऑफ गिल्ट है, इस बेस पे या किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी पॉलिटिकल इशू से अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो नहीं आना चाहिए, हम उनको मना करते हैं, ऐसा चाइना ने कहा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, बहुत सारी कंट्री हैं, इन्होंने अक्यूज्ड किया है कि चाइना ऑफ कमिटेटिंग जिनोसाइड अगेंस्ट द माइनॉरिटी मुस्लिम विगर्स, जो विगर्स मुस्लिम हैं, जो उनका सिंजियांग प्रोविंस है वहाँ पर एक तरीके का जिनोसाइड है और ये ह्यूमन राइट्स का वॉलेंस है, तो ये एलिगेशन लगते रहते हैं, और एलिगेशन लगते क्या है, बात सच है। अब यहाँ पर देखिए विचलेट्स ने क्या कहा, तो यहाँ पर एड्रेसेस टू द 47th सेशन को एड्रेस कर रहे थे ऑन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जिनेवा, कहाँ पर, जिनेवा में, मंडे को, बैचलेट सेड आई कंटिन्यू डिस्कस विथ चाइना मॉडलिटीज फॉर विजिट। तो कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं एक विजिट के लिए, इंक्लूडिंग द मीनिंगफुल एक्सेस टू द सिंजियांग विगर ऑटोमन्स रीजन, जिसमें से हम जो विजिट करें तो वो सिंजियांग जो यूगर्स ऑटोमन्स रीजन है वहाँ पर जाएं और उसको भी हम देखें, एंड होप दिस कैन बी अचीव्ड दिस ईयर, और मुझे उम्मीद है कि ये इस साल शायद हो जाए, पर्टिकुलरली एज रिपोर्ट ऑफ सीरियस ह्यूमन राइट्स वॉल्यूम्स कंटिन्यू द इमर्ज। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है वो एक लगातार उभर कर सामने आ रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उस रीजन पे उनके प्रोविंस जो
सिंजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर जा कर के मैं विजिट करूँ। ऐसा जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो चीफ कमिश्नर हैं उनका कहना है। अब आगे तो यहाँ पर क्या है कि जो चाइना है उसने कहा, वी वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं टू कम चाइना विजिट सिंजियांग। वी हैव लॉन्ग इशूड द इन्वेंशन टू हाई कमिश्नर टू कम द चाइना फॉर विजिट सिंजियांग। वी आर इन कम्युनिकेशन दिस इशू। बोले कि हम काफ़ी दिनों से हम कह रहे हैं कि आप आइए विजिट करिए और हमारा सिंजियांग जो प्रोविंस है वहाँ पर विजिट करिए, आपका स्वागत करते हैं, लेकिन दिस विजिट शुड बी फ्रेंडली। लेकिन ये जो विजिट है जो आपका वो फ्रेंडली होना चाहिए, विथ एम टू प्रमोटिंग द बायलेटरल एक्सचेंजेस एंड द कॉरपोरेशन। मतलब सब जगह बिजनेस इसको दिखता है। तो कह रहे हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो विजिट है वो बायलेटरल होना चाहिए, एक्सचेंज द कॉरपोरेशन इसको बढ़ावा और इसके पर्पज से होना चाहिए। और देन द परस्यू सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक जांच पड़ताल और एक तरीके का, इस तरीके के अगर उद्देश्य से आप आ रहे हैं तो मत आइए। सीधा उसका कहना, ये चाओ सेट कहते हैं उनके जो मिनिस्टर हैं चाइना के, वी फ्रेमली अपोज द अटेम्प्ट बाय एनी वन सीक द पॉलिटिकल और मैनिपुलेटिव यूजिंग द इशू एग्जर्ट द प्रेशर्स ऑफ चाइना एंड साइड। तो चाइना ने यही कहा कि हम वेलकम करते हैं, आप आइए, लेकिन बायलेटरल एक्सचेंजेस कॉरपोरेशन के इस उद्देश्य, इसको प्रमोट करने के उद्देश्य आप आइए, लेकिन आप एक सो कॉल्ड कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए अगर आप आते हैं तो हमारा ना है। क्योंकि अब चाइना यहाँ पर क्या कहता है, जो यहाँ के स्टेटमेंट है तो बिना यूएसए और यूरोप यूनियन का नाम लिए कहते हैं, विच आर प्रेजेंसिंग द प्रोब इनटू द एलिगेशन ऑफ जिनोसाइड अगेंस्ट मुस्लिम यूगर्स इन सिंजियांग। जाओ ने क्या कहा कि कंट्रीज आर द स्प्रेडिंग लाई एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये चाइना का कहना है कि बहुत सारी कंट्री हैं जो कि झूठ बोल रही हैं और एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं ऑन सिंजियांग स्मेयर चाइना एंड कंटेन चाइना डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए और चाइना के लिए। दे आर अटेम्प्ट ऑन द डूम्ड और टू फेल, और ये फेल हुआ ऐसा कहा गया। तो चाइना अक्यूज द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मोमेंट। तो चाइना में एक कह सकते हैं एक मोमेंट चलता है जिसको ETIM बोलते हैं, चाइना ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मोमेंट। ये 2013 में ज़्यादा इसने तांडव किया था। विच इज़ द एंटर द यूगर्स मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस सिंजियांग प्रोविंस और बीइंग द रिस्पॉन्सिबल द नर्वस वॉलेंट एंड अटैकिंग द प्रोविंस। तो चाइना का कहना ये है कि ये जो ग्रुप है जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मोमेंट है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसको पहले बैन कर दिया गया था, इसको एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित करके इसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, क्योंकि 2013 में इसने बहुत ज़्यादा मार धाड़ किया, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। तो चाइना इसको एक कहता है ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसी के देश में है, और इसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। सेपरेटली क्रिस्टिचाइज द यूएस एंड डिलिस्टिंग द सिंजियांग सेपरेस्ट मिलिटेंट आउटफिट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि इसको फिर से क्या कर दिया गया, बैन हटा दिया गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये वाशिंगटन का जो डबल स्टैंड है, यूएसए द्वारा इसका बैन हटा दिया गया, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है फाइटिंग द ग्लोबल टेररिज्म, तो वो डबल स्टैंडर्ड है किसका, वाशिंगटन का, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाइना यहाँ कहता है कि ये तो एक टेररिस्ट ग्रुप था, फिर इसमें से बैन लगाया, फिर इसके बाद इसको हटा दिया गया, और जो कि 2013 में इसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। तो बेसलेट इन द रिमार्क द काउंसिल हैड सो सेपरेटली क्रिटिसाइज द चाइना क्रैकडाउन हांगकांग आफ्टर द इम्पोजिंग द नेशनल सिक्योरिटी लॉ।
तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने पिछले साल जुलाई में नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इसमें एक नया लॉ बनाया था हांगकांग के लिए, और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए आपको मिल जाएगा, हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत। तो कंट्रोल द ब्रिटिश कॉलोनी, जो कि ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया था, वो कंप्लीट होने के बाद में फिर आगे का क्या हुआ वो मैंने पूरा डिटेल्स उस वीडियो में बनाया है, तो जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हांगकांग में ये जो एप्पल डेली है ना, ये एप्पल डेली वो नहीं है कि आप फिर डेली एप्पल खाइए, ये हाँ खाना ज़रूरी है, खाइए बिल्कुल, ये एप्पल डेली एक न्यूज़पेपर है। ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है कहाँ का, हांगकांग में, और ये डेमोक्रेसी की मांग करता है। तो इसके अभी लगभग में 20,000 कुछ पेपर छपते थे, प्रतिलिपियाँ, और बिकती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इसने अपना जो डेमोक्रेसी की मांग की वो थी वो बढ़ा दी, और अभी पिछले हफ्ते इसमें लगभग में 1 लाख प्रतियां छपने लगी और बहुत तेज़ी से ये फैलने लगा। तो इस पे बड़ा एक्शन लिया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, और उस पे बैन लगा दिया, और जब इसका ऑफिस था तोड़फोड़ किया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। तो ये डेली एप्पल की कहानी है। तो लास्ट ईयर द एडॉप्शन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकॉन्ग, कहाँ पर, हांगकॉन्ग में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ यहाँ पर लागू किया गया था, बनाया गया था, एक नया लॉ लाया गया था। ऑफिस हैज़ एक्सप्रेस्ड द सीरियस कंसर्न, ही सेड वी हैव द क्लोजली मॉनिटरिंग द एप्लीकेशन एंड द चिलिंग द इम्पैक्ट हैज द सिविक्स डेमोक्रेसी स्पेस इंडिपेंडेंट मीडिया। तो ये जो UNHRC के जो हेड हैं, चीफ हैं, इनका कहना है कि बचलेट द पार्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ द पुलिस क्रैकडाउन द जर्नलिस्ट, तो इसको क्रैकडाउन किया गया जर्नलिस्ट स्पेशली इंडिपेंडेंट द मीडिया हाउस एप्पल डेली इसको, और हुज एडिटर एंड अदर स्टाफ फॉर द प्रोकेशंस। तो ये भी एक कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है, और ये बचलेट्स के पास में ऐसी सारी चीज़ें पहुंच गई हैं, तो बड़ा ही खतरनाक है ये। और क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जुलाई में, 1 जुलाई को लगभग में 107 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो वहाँ पर बना हुआ था, और उसमें से 57 से जो है फॉर्मली उन पे चार्ज किया गया, और ट्रायल और बाकी पता नहीं। दिस विल बी इम्पोर्टेंट टेस्ट इंडिपेंडेंस हांगकांग जुडिशरी विलनेस और अफोल्ड हांगकांग ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंट। तो यहाँ पर एक इशू हांगकांग का है, किसका है, हांगकांग का है, क्योंकि हांगकांग ये चाह रहा है कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और एक वहाँ पर ये अगर मुसलमान का है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि एक ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि इतने डिटेंशन सेंटर भी बने हैं ऐसा बताया जाता है सिंगजियांग में, और बहुत सारी उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो इसको लेकर के जो ह्यूमन राइट्स जो चीफ थे, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो चीफ हैं विचलेट, तो उनका एक विजिट करने का प्लान था, जिसमें से चाइना ने साफ साफ उनको कर दिया मना कि अगर आप इस उद्देश्य से, इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप मत आइए, लेकिन आप एक फ्रेंडली आते हैं, एक विजिट के लिए आते हैं, ज़रूर आइए, तो ऐसा यहाँ पर कहना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिलता है ऐसे ही अपडेट यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।